भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव गांव में टीएमसी के नेताओं की शानों शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। गरीब को सुविधा मिले, इन प्रयासों को कैसे यहां रोका जाता है, इसका एक और उदाहरण मैं आज बंगाल की धरती पर आपको देता हूं। देश के गांवों में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। प्रयास यह है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बेटियों को पानी लाने में अपना समय और अपना श्रम न लगाना पड़े। प्रयास ये है कि हमारे बच्चों को प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में आप चौंक जाएंगे, इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ देश प्यास सुनेगा तो चौंक जाएगा, 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। अब बताइए क्या करके रख दिया था उन्होंने। आज देश में अभियान चल पड़ने के बाद अब तक इस अभियान के तहत लगभग देश में 3.6 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जहां बंगाल 2 लाख पर था, भारत सरकार ने इतना जोर लगाया, पैसे लगाए, पीछे पड़ गए, तो भी बंगाल में सिर्फ अब तक 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 9 लाख परिवार तक ही पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंच पाया है। यहां की सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है और उस रफ्तार से तो पश्चिम बंगाल के हर गरीब के घर पाइप से जल पहुंचाने में पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक
पानी पहुंचाने के लिए कितनी गंभीर है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलिए, पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आपका हक है कि नहीं है? यहाँ की सरकार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हुआ क्या? हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी, लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहां की सरकार ने खर्च किया है, बाकी 1100 करोड़ रुपया यहां की सरकार दबा करके बैठ गई है सर। ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है?